हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और कई बार रिक्वेस्ट आई और लोग पूछते हैं कि आप हाई नेक पे साड़ी कैसे पहनते हैं, प्लीज बताएं। तो मैंने कहा आज मैं पहन ही रही हूँ तो आप लोग को भी बता देती हूँ। वैसे तो सिंपल है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी जिन्हें नहीं पता होता है लगता है कि पता नहीं कैसे पहनते होंगे, तो मैं ऐसे ही आप लोग को बता देती हूँ। वैसे तो मैंने साड़ी पहन ली है, सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं, फुर्सत हो गई हूँ और नाश्ता वगैरह भी हो गया है। तो ये देखिए, जैसे ये साड़ी हमने पहनी है, प्लेट तो वैसे हम लोग पहले बनाते हैं, यहाँ का प्लेट बाद में बनाती हूँ मैं, और ये नीचे का जो साड़ी का प्लेट है वो पहले बनाती हूँ। तो जब हम ऊपर जैसे ब्लाउज पहनते हैं, ब्लाउज अगर आपको पहनना है नीचे पहन के ऊपर से हाई नेक डाल लीजिए, नहीं पहनना सिर्फ हाई नेक, मैं तो हाई नेक पहनती हूँ और इनर का भी काम करता है, ज़्यादा ठंड लगती है तो इसको ऊपर से भी स्वेटर डाल लेती हूँ, और नहीं ठंड लगती तो सिर्फ हाई नेक पहनी रहती हूँ। तो आप हाई नेक पहन के जैसे हम नीचे पैंट हाई नेक अंदर कर लेते हैं, शर्ट हो गया या कोई चीज़ हो गया पैंट के अंदर कर लेते हैं, उसी तरह से हमें पेटीकोट के अंदर करके हाई नेक को पेटीकोट ऊपर से बांध लेना है। बांधने के बाद आप नीचे की प्लेट बना लें, और उसके बाद फिर ये जो ऊपर की प्लेट है, ये आप ओपन पल्लू लेना चाह रही हैं तो यहाँ पे पिन लगा लीजिए, हो गया, ओपन पल्लू में घूमिए। और अगर आपको ऐसे प्लेट बनानी है तो साड़ी की प्लेट बना लीजिए। तो हाई नेक में वैसे कोई दिक्कत नहीं, लोग स्वेटर पहन के वैसे ही घूमते हैं तो इसमें वैसी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। सिंपल प्लेट बनाना भी बहुत आसान है। मेरा हम लोग यहाँ तो साड़ी पहनते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, 5 मिनट भी नहीं लगती साड़ी पहनने में। तो बस यहाँ पे आप प्लेट बनाते हैं जैसे, ये देखिए, ये हाँ आपका प्लेट बन गया है, और यहाँ पे आप ऐसे प्लेट पकड़ के बस हो गया, इनर के साथ आपने साड़ी पहन ली। और अच्छा रहता है, ठंडियों में बहुत ही आरामदायक है, मैं तो पूरी ठंडी में इसी के साथ हाई नेक के साथ ही साड़ी पहनी हूँ। तो बस यहाँ पे पिन लगा ली, सॉरी मेरे कान के इयररिंग गिर गए, तो बस ये देखिए पहन लिया, आसान है और ठंड भी नहीं लगती बिल्कुल भी, ज्यादा ठंड लगती तो ऊपर से डाल लीजिए स्वेटर जैकेट कुछ भी। तो बस मेरी साड़ी तैयार है, चलती हूँ अब मैं कुछ काम कर लेती हूँ, खाना नहीं बना हुआ है मेरा, तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। ये देखिए अच्छी भी लगती है वैसे, अब धुलना सारे कपड़े धुलना पड़ेगा, अभी धुलोगी और नहाओगी, नहाना पड़ेगा। ये देखिए हट कर रखी है इस दीपू ने, मैंने कुछ नहीं करा है, एक बिल्ली बहुत कंफर्टेबल रहने तो आप लोग दिला तो पानी रहे, बेचारी फट गई उसके आप लोगों के चक्कर में, अरे भाग जाएगी वो खुद के। अरे कपड़े में देखो, हाँ तो मैं धो लूंगी कपड़े, आज ही धो देना कल मुझे पहनना है, अभी हाँ अभी नहा के और अभी धुलूंगी ऊपर के भी, देखो ऊपर में भी सारे में बाल चिपके, ठीक है यार, मुझे देख रहे हो कपड़ों में फंसा रही वो, हाँ ऐसे मारेगी पंजा ना जैसे खरगोटा उठे काट लो वो भी नहीं काली थी कैमरे में, काली थी वो भी नहीं, वो पट्टी कट डाली, पट्टी कट डाली हो, भाग जाए यहाँ से, हद कर दी, हद कर दी। हदी कर दी जितने गली के बिल्ले हैं, मैं बता रही आपको, पता है जितने बिल्ले हैं ना सब तुम लोग पाल लो, पाल लेते हैं, आपने मना कर रखा, बस एक भी घर में मतलब मना कर रखा, जा रहा कूदने जा रही हूँ आपसे, सुसाइड कर लेगी जितने ना मोटा रखा है, इससे पता चलता है खाते पीते घर का, वो बिल्ले के जी खाते पीते घर की नहीं है, सच में तुम लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है मम्मी, यार मैं तो हाथ धुला था नहीं, छुलिया ने मुंह में छिली, ये रखो ये मेरे बाल लगा दिया, दीपू मार दूंगी तुमको मैं, ये रखो ये बाल है ना, ये लो।
तो बस मैं छत पर से नीचे आ गई हूँ और देखा कि गाय आई हुई थी, तो रोटी खिला देती हूँ जो गाय की अग्रासन की निकाल के रखी थी। और मुझे ऐसा नहीं, पेट पसंद नहीं है, जानवर पसंद नहीं है, लेकिन मैं ना घर के अंदर, जैसे छोटा सा घर है, बिस्तर पे घूमे, घर के अंदर घूमे, इस तरह से मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बच्चों को मना करती हूँ। और यहाँ पर मैंने राजमा बॉयल कर लिए थे तो बस वही बनाने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा तेल डाला है कढ़ाई में और तेजपत्ता, जीरा और हींग ये छौंक में डाल दिया है। उसके बाद प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट बना रखा था तो वो डाल दूंगी। और यहाँ पे खिड़की से थोड़ी सी दिन में लाइट आती है, इसलिए पता नहीं क्यों बार बार ज़्यादा वाइट हो रहा है, फिर कम हो रहा है। और सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह सब धुल के किचन एक बार क्लीन कर लेती हूँ, तब मेरा खाना बनता है। तो बस यहाँ पे जब प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक हल्का सा भूंजा है, उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी। तो राजमा मेरा जल्दी जल्दी से यही अक्सर, क्योंकि राजमा मैं अक्सर ही बनाया करती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, इनको कम पसंद है पर बच्चों को बहुत पसंद है। और जैसे ही टमाटर डाला है, उसके बाद इसमें मसाले डाल दिए हैं, तो मसालों में हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी। उसके बाद बॉयल किए हुए राजमा, तो नमक डाल के अच्छे से मैंने बॉयल कर रखा है, इसलिए इसमें मैंने नमक नहीं डाला, नमक मैंने अंदाज से पहले ही डाल रखा है। बस इसमें पानी डाल के और रख दिया है राजमा को। देखो 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 लड़का लड़की कैसे अंतर कर सको। तो आज दीपू को वॉशिंग में कपड़े धुलना सिखा रही, तो तेरी देव को क्यों नहीं सिखा रही? जिस दिन तुम्हारी एज आएगी उनकी, उसी दिन वो कपड़े एक साल पहले धो रखने। सुबह सारे कपड़े धुले थे, सारे कपड़े सुबह मैंने वॉशिंग लगाई थी, सारे कपड़े धुले थे। ये अभी देव और दीपू दो लोग अभी नहाए, मैंने कहा धुल लो के कपड़े धो रहे हैं पापा। जब हम पूरे धुलते हैं सुबह, इतना कपड़ा मैं अकेले धुली हूँ, धुल डाल के डलवाई हूँ, पर मेरे कपड़े गीले हुए, तो फिर आपकी अकेले मैंने सारे कपड़े धुले सुबह वॉशिंग। हमारे पापा हैं, ठोक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो यार। और ये देखिए दीपू कपड़े लेके। और आज क्या बोल रही थी मैं, बहुत दरिया दिल हूँ, निर्दय और निर्दय। आज इनको एक नया लेसन सिखाया, कह रही थी आप बहुत दरिया दिल हो, तो मैं हंसने लगी बहुत जोर जोर से। फिर बाद में जब हंसने लगी तब इन्होंने कहा दरिया दिल नहीं, आप बहुत निर्दयी हो, इनको पता ही नहीं चला। तो कुछ कपड़े जो सूख गए थे इन्होंने पहले ही उतार के रख दिए थे। और ये डोरमेट वगैरह थोड़े सूखे नहीं थे, तो मैंने कहा जहाँ धूप लग रही है वहाँ इनको डाल देती हूँ ताकि सूख जाएं शाम तक। और यहाँ पे ये जो मटकी कल आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी, तो इनमें छेद करना था, तो यही ये खटर पटर कर रहे थे, क्योंकि बहुत मतलब सावधानी के साथ छेद किए, नहीं तो टूट जाती। और छेद करके उसमें हमने टमाटर के पौधे लगा दिए हैं, और पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इन्होंने सबकी गुड़ाई करी, जो घास वगैरह एक्स्ट्रा थी पौधों में उनको निकाला है। तो मैंने कहा चलो, मैं नीचे काम में बिजी थी, मैं अब आई हूँ, तो मैंने कहा लाओ थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो जो ये गंदा हुआ था, सुबह भी झाड़ू लगी थी, सुबह दीक्षा ने लगाई थी और अभी मैंने फिर झाड़ू लगाई है। और ये इसमें खाद डाल रहे हैं सब पौधों में, कल जो गोबर की खाद होती है मिक्स, कई खाद को मिला के इन्होंने डाला था, और आज इनमें ये डाई खाद जो होती है वो थोड़े थोड़े से, चार चार दाने ही समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, नहीं खराब हो जाते हैं पौधे, तो सब में ये डाल रहे हैं। तो बस अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं और बच्चों को मैं पैसे दे रही हूँ। ऐसा होता नहीं, कभी कभी बच्चों का मन करता है कि पैसे दे दो मम्मी, कुछ खरीद के खाना है। तो सामने ही हमारे घर के सामने ही शॉप है, तो मैंने कहा ले लो। वैसे तो हम लोग सारी चीज़ें ले आके रख देते हैं कैंटीन से, मार्केट से, जल्दी इन लोग शॉप पे जाने की, खरीदने की नौबत नहीं आती है। पर आज इन लोग का मन कर रहा था तो मैं भी जा रही थी, तो सबको पैसे दे के, और उसके बाद मैं इनको बोल रही थी आज आप बैठ जाओ मैं चलाती हूँ। लेकिन बोल रहे थे नहीं, हेलमेट नहीं लेके आई हो तो तुमको नहीं
मतलब चलाना है। और हम लोग गए थे किसी दूसरे काम से, मतलब इनका लोअर जो था, जो ठंडियों वाला लोअर होता है, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे ख़रीदने की। पर वहाँ गए तो लौटते वक्त लगा कि सब्जियाँ भी लेते चलो, फिर कौन आएगा, सब्जियाँ ख़त्म हैं। और इन्होंने गाजर बोला, मतलब हलवा बनाए बहुत दिन हो गया है गाजर का हलवा, गाजर ले चलो। और गाजर ली, इस सीज़न में अदरक भी बहुत अच्छी आती है और बहुत सस्ती, इस समय 50 रुपये किलो मिल रही है अदरक, तो मैंने अदरक अच्छी अच्छी सी ले ली, क्योंकि चाय में खूब कड़क चाय पीने में मज़ा आता है अदरक वाली, बिना अदरक के काम। हम बैग लेके नहीं गए थे क्योंकि सब्जी लेने की कोई प्लानिंग नहीं थी, वहाँ पे इस तरह से हमने आलू ली है, वहाँ से ये बोरी थैला सा मांगा है, इसी में सारा चीज़, इन्होंने बोला लोअर वगैरह भी जो लिए हो इसी में डाल दो, रख लेंगे स्कूटी में आगे, तो इस तरह से गट्ठर बना ली है और बनाने के बाद बस ये लेके चल दिए हैं। और घर आने के बाद फिर जल्दी जल्दी से यहाँ मैं दीपक वगैरह जलाना, कुछ जैसे छोटे मोटे काम तो घर में जानते ही हैं, वो सब हुए हैं। उसके बाद बच्चों को सबको खाना दे दिया है, और आज निमोना बनाया था, निमोना चावल रोटी यही है शाम के खाने में, तो बस मेरी थाली लग रही है, बाकी सब लेके जा चुके हैं। मैंने कहा मैं अपना लेके आ जाऊँगी, तो ये लीजिए थाली लग गई है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में खाना। और उसके बाद मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि आदत पड़ चुकी है, आप लोग को कोई भी चीज़ लाती हूँ तो अक्सर दिखाती हूँ, बहुत कम चीज़ें नहीं दिखाती। तो ये लोअर है, ये लोअर लिया था, और लोअर के साथ ही एक इनको पसंद आ गया, ये जैकेट की तरह है, वैसे जैकेट नहीं स्वेटर जैकेट, मतलब अच्छा लग रहा था, इनको पसंद आ गया, तो बस इन्होंने ले लिया है। दुकान पे होता नहीं हम लेने कुछ जाते हैं और लेके कुछ, तो ये इस ठंडियों में इनने कुछ लिया भी नहीं था, हम लोगों ने तो ले भी लिया था। तो बस ये देखिए अंदर से इसमें ऐसे कपड़ा सा लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन गर्म बहुत है, इन्होंने थोड़ा सा पहन के देखा था तो अच्छा था, यहाँ की ठंडी के हिसाब से ना गर्म ही चाहिए होता है, तो उस हिसाब से अच्छा भी लग रहा था इनको। तो बस ये लेने के बाद अब बस सारा खाना पीना सारे काम कर लिए हैं मैंने, किचन वगैरह मैंने दीक्षा ने मिलके सब हो गया है। अब ये सब्जियाँ निकाल के इनको धुल के रखूँगी, तो इनमें जो बड़ी बड़ी ये पॉलीथीन रहती है ना, मैं इनको डस्टबिन में लगा के यूज कर लेती हूँ, कचरा फेंकने के काम आ जाती हैं। और चलिए अब इस वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।